गुड मॉर्निंग 6th AM स्टूडेंट्स, टुडे आई विल कंटिन्यू इंग्लिश लेसन 15 अ कारवां चीफ, जिसमें मैंने आपको चैप्टर एक्सप्लेन कर दिया, वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर्स मैंने इसके दिए, फिलिंग दी ब्लैंक्स दी। अब इसमें लास्ट एक्सरसाइज रह गई है जिसमें कि आपको कंबाइन द सेंटेंस, सेंटेंस कंबाइन करने हैं। नाउ कंबाइन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेंटेंस एज शोन अबव। टू सेंटेंस दिए हैं जिनको आपको एक सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट सेंटेंस है, द गेट वॉज क्लोज्ड वी फाउंड इट सो, है ना। इसमें दिया है पहला सेंटेंस में कि गेट बंद था, मैंने उसको ऐसे पाया। तो इसको हम जब कंबाइन करेंगे तो इसका आंसर आएगा वी फाउंड द गेट क्लोज्ड। क्या आंसर आएगा? वी फाउंड द गेट क्लोज्ड। हमें आंसर लिखना है वी फाउंड द गेट क्लोज्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हर नेम वॉज कॉल्ड पद्मा हार्ड एट, उसका नाम पुकारा गया, पद्मा ने उसको सुना, तो पद्मा ने उसका नाम सुना, तो पद्मा हार्ड हर नेम कॉल्ड। देखिए आंसर में पद्मा हार्ड हर नेम कॉल्ड। थर्ड क्वेश्चन है, द बैग वॉज गोन, रामसन फाउंड इट सो, तो रामसन फाउंड द बैग गोन, रामसन फाउंड द बैग गोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्क वॉज कंप्लीटेड वी फाउंड इट सो, वी फाउंड द वर्क कंप्लीटेड, वी फाउंड द वर्क कंप्लीटेड। नेक्स्ट है, द हॉल वॉज पैक्ड वी फाउंड इट, तो वी फाउंड द हॉल पैक्ड, ठीक है। इस तरह से टू सेंटेंस को हमें एक सेंटेंस बनाना है। नेक्स्ट है, द बॉक्स वॉज लॉक्ड ही कैप्ट इट सो, तो ही कैप्ट हिज बॉक्स वॉज लॉक्ड ही कैप्ट इट सो, तो इसका आंसर होगा ही कैप्ट हिज बॉक्स लॉक्ड, ही कैप्ट हिज बॉक्स लॉक्ड। द प्लेट वॉज कवर्ड ही लेफ्ट इट सो, तो ही लेफ्ट द प्लेट कवर्ड। इस तरह से दो सेंटेंस को एक सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। हर ट्रंक वॉज अनलॉक्ड सी लेफ्ट इट सो, सी लेफ्ट हर ट्रंक अनलॉक्ड, क्या होगा? सी लेफ्ट हर ट्रंक अनलॉक्ड। शंकर्स वर्क वॉज फिनिश्ड ही लेफ्ट इट सो, ही लेफ्ट शंकर्स वर्क अनफिनिश्ड। द विंडोज वर क्लोज्ड वी लेफ्ट देम सो, तो क्या आ जाएगा? वी लेफ्ट द विंडोज क्लोज्ड, हमने विंडो को बंद छोड़ दिया। द मिल्क वॉज अनकवर्ड द सर्वेंट लेफ्ट इट सो, द सर्वेंट लेफ्ट द मिल्क अनकवर्ड, नौकर ने दूध को खुला ही छोड़ दिया। द फूड वॉज अनटस्ट, खाने को किसी ने नहीं छुआ, फादर लेफ्ट इट सो, फादर ने ऐसे ही छोड़ दिया, तो फादर लेफ्ट द फूड अनटस्ट, फादर ने खाने को ऐसे ही छोड़ दिया, कैसे? अनछुआ छोड़ दिया, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये क्या किया, दो सेंटेंस को एक सेंटेंस में कन्वर्ट किया है। तो आपको इसको कॉपी पर लिखना है, है ना, पहले दो सेंटेंस, फिर उसका आंसर, फिर दोनों सेंटेंस को एक बनाकर उसका आंसर। तो इस तरह से ये आपको कॉपी पर लिखना है, और इस तरह से ये आपका चैप्टर मेरी ओर से ये फिनिश होता है। तो आपको इस तरह से ये कंप्लीट करना है, इस सेंटेंस चैप्टर को अपनी कॉपी पर लिखकर। नेक्स्ट, अब हम इस चैप्टर के बाद आपको रिवीजन एक्सरसाइज, थर्ड रिवीजन एक्सरसाइज आपकी शुरू हो जाएगी, और फिर मैं इसमें ग्रामर पोर्शन आपको पढ़ाऊंगी। थैंक यू।